वेलकम टू एनके क्लासेस। सो गाइज, आज हम आई सेक्शन में जो हमारा शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने टी सेक्शन में कैसे शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है ओवर द डेप्थ वो देखा था। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, देखते हैं कि हम किस तरीके से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन है वो The shear force acting on a beam is 50 kN. तो आपको जो shear force है वो given है 50 kN. The moment of inertia is 2.849 into 10 की पावर 8 mm की पावर 4। और जो आपको I given है moment of inertia वो 2.849 into 10 की पावर 8 given है। Draw the shear stress distribution। So हमको shear stress distribution निकालना है। तो सबसे पहले तो जब भी आपको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है तब हम पोजीशन फाइंड करते हैं न्यूट्रल एक्सिस की। तो वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। नाउ उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहां पे आपके पास तीन ट्रायंगल है, तीन रेक्टेंगुलर है। तो हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड। तो जो आपका न्यूट्रल एक्सिस के लिए पोजीशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। अब ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगुलर है तो इसके लिए एरिया क्या लिख सकते हैं हम, 130 × 50। तो ये आपका जाएगा 6500 mm². जब हम Y1 निकालेंगे तो Y1 आपका इसका CG निकलेगा, तो 50/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25 mm। तो ये आपका क्या आ गया, Y1 आ गया। इसी तरीके से हम A2 निकाल सकते हैं। A2 हमारा ये होगा, ये वाला रेक्टेंगुलर, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 200 × 50। तो ये आ जाएगा आपका 10000 mm². Y2 निकालेंगे, सो Y2 क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगुलर का CG। तो यहां से चल रहे हैं हम, तो ये 50 प्लस इसका CG कितना आएगा, 200/2 मीन्स 100। सो ये 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये 150 mm। A3 की बात करते हैं, सो A3 कैसे निकलेगा हमारा, ये हमारा रेक्टेंगुलर है, सो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 200 × 50। तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 × 50। सो ये आ गया हमारे पास 10000 mm². नाउ हमको Y3 निकालना है, सो Y3 कितना होगा गाइस, यहाँ से हम निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 200 + 50 = 250। और इसका CG आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 50/2 मीन्स 25। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 250 + 25 डेट इज इक्वल्स टू 275 mm। सो सारी वैल्यूज जो है हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वाई बार निकल जाएगा। सो ये आपके पास आ गया 25 + 10000 × 150 + 10000 × 275 / जो आपके एरिया है A1 A2 A3 वो हम पुट कर देंगे। सो आपके पास वाई बार आ जाएगा 166.51 mm। तो सबसे पहली स्टेप क्या है हमारे पास, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे। नाउ अब हम हर जो आपके पास पॉइंट है जो एंड पॉइंट से वहां पे शियर स्ट्रेस फाइंड करेंगे, जो जॉइंट है आपका फ्लेंज पे और वेब पे वो फाइंड करेंगे, जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस आई कितनी आई है 1665.51, तो ये हम फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे। और यहाँ पे आपका जो टाउ है वो कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स। और आपका जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। सो सबसे पहले जो आपका शियर स्ट्रेस एक्सट्रीम एजेस पे है वो कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि वहां पे जो वाई की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। सो शियर स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम, शियर स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम एजेस ऑफ द फ्लेंज इज जीरो। तो सबसे पहले जो आपके एक्सट्रीम एज पे
मीन्स जो एक्सट्रीम फ्लेंज के एज है वहां पे आपका जो शियर स्ट्रेस है वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाई की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। और हम पहले देख चुके कि जब भी आपका वाई जो है वो अगर मैक्सिमम रहेगा तो आपका जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो रहेगा। नाउ जो आप अलग अलग पॉइंट से हम उस पर शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, सो सेकेंड है हमारे पास शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इन द अपर, इन द अपर फ्लेंज एट द जंक्शन। वेव एंड फ्लेंज, तो अब हमें कहां पे फाइंड करना है जो हमारा शियर स्ट्रेस है इस पॉइंट पे फाइंड करना है, बट अभी हम फ्लेंज के कारण फाइंड कर रहे हैं तो वहां पे हम बी कितना पुट करेंगे 200। नाउ हमको ए वाई बार निकालना है तो न्यूट्रल एक्सिस से उस पॉइंट के ऊपर का जो एरिया होता है वो ए होता है, और उसके सीजी से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो हमारा क्या होता है, वाई बार होता है। तो ये हमको पता है कि ये आपका क्या है, वाई बार है, सो ये हमारा वाई बार हो जाएगा माइनस ये वाली डिस्टेंस कितनी है 25 है, तो हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 25 माइनस कर देंगे। अब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालना पड़ेगी, तो ये वाली आपकी कितनी आ जाएगी 133.49, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी आई है 166.51, और आपकी टोटल कितनी है गाइस, टोटल आपकी है 300, तो हम इसको 300 में से माइनस कर देंगे, तो आपकी ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 133.49। सो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे बाय आई बी, तो हमारे पास एफ आपको गिवन है 50 × 1000 न्यूटन, हमने उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। आई आपको गिवन है 2.849 × 10⁸ mm की पावर 4। बी आपको फ्लेंज का गिवन है 200 mm, सो सिंपली हम ए फाइंड कर लेंगे, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, हम निकाल चुके हैं 200 × 50, तो ये आ गया आपके पास 10,000 mm². अब अगर y बार की बात करें तो वो कितना निकलेगा, डिस्टेंस अपनी कितनी निकली ये माइनस उसका cg कितना है 25, तो ये आपके पास, इसको हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 133.49 − 25, तो ये आ गया आपके पास 108.49 mm। तो सारी वैल्यूज हम टाओ में पुट कर देंगे, जब हमने सारी वैल्यूज टाओ की इक्वेशन में पुट करी तो हमारे पास यहां से इसका आंसर आ जाएगा 20 N/mm². तो ये हमारे किस लिए निकला, फ्लेंज के लिए निकलिया। अब हम क्या करेंगे, वेव के लिए निकाल लेंगे, सो शियर स्ट्रेस इन दी वेव एट जंक्शन, तो उसी जंक्शन पे हम क्या करेंगे, अब वेव के लिए जब निकालेंगे तो हमारा बी कितना हो जाएगा गाइस, वहां पे हमारा बी कितना है 50 mm, तो जब भी हम फ्लेंज वेव के लिए निकालेंगे तो हमारा ये जो बी इसी पॉइंट पे जो बी है वो कितना हो जाएगा आपका 50 mm, तो यहाँ पे आपका जो बी है वो 50 रख देंगे। इसी इक्वेशन में हम बी को कितना पुट कर सकते हैं गाइस, 50 mm, तो हमने बी को कितना रख दिया 50 mm, तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.808 N/mm². यहाँ पे आपका ए और वाई बार चेंज नहीं होता है क्योंकि हम उसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अब आपका फोर्थ क्या है, जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है मीन्स न्यूट्रल एक्सिस पे, सो शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे आपको ए वाई बार निकालना पड़ेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास दो रेक्टेंगुलर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है वो चेंज हो रही है, तो इसके लिए तो हम निकाल चुके हैं ऊपर वाले रेक्टेंगुलर के लिए, नीचे वाले के लिए निकालेंगे तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 133.45 − 50, तो जब आप 133.49 − 50 करते हैं तो ये वाली डिस्टेंस आ जाती है आपके पास 83.49, तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 83.49 × 50, और इसका सीजी कितना जाएगा, इसका हाफ,
तो हम डायरेक्ट लिख ए वाई बार निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ए वाई बार निकालेंगे तो वो जाएगा आपका 200 × 50 × आपकी ये डिस्टेंस कितनी 108.49 प्लस ये आपका है 83.49 × 50 × 83.49 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम पूरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 125916.5 mm². तो ये हमारे पास आ गया ए वाई बार। अब हम इस टाउ की जो फॉर्मूला होता है एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी उसमें पुट कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास बी कितना है 50 mm। सो डायरेक्ट जब हम वैल्यू रखेंगे एफ है हमारे पास 50,000 × वाई बार है हमारे पास 125916.5। आई की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में 10^8 और बी हम कितना रखेंगे गाइस 50। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.4196 N/mm². अब सिमिलरली हम नीचे वाले जो वेब है और फ्लेंज है वैसे जैसे हमने ऊपर निकाला है वैसे हम नीचे निकाल सकते हैं। तो फाइंड करते हैं हम किस तरीके से हम निकालेंगे। सो देखते हैं कि हम नीचे वाले फ्लेंज में कैसे निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये वाला सीजी आ जाएगी इसके लिए और इसका एरिया हम निकाल लेंगे। सो लिखते हैं हम ये हो जाएगा हमारा शियर स्ट्रेस इन द लोअर फ्लेंज। सो लोअर फ्लेंज के लिए टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया आपका एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी और यहाँ पे हम बी कितना लेंगे 130 mm क्योंकि नीचे वाले फ्लेंज के लिए आपके लिए विड्थ कितनी है 130 mm। सिंपली आपको ए वाई बार कैलकुलेट करना है। सो आपका एरिया कितना आ जाएगा नीचे वाले के लिए 130 × 50 × आपका जो वाई बार है वो कितना जाएगा 166.51 − 25। तो ये आपका क्या आ गया ए वाई बार। तो ये आ गया आपके पास 918125। डायरेक्ट इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे तो टाओ कितना जाएगा आपके पास 50,000 × 918125 डिवाइडेड बाय आई आपके पास गिवन है इंटू बी आप कितना लेंगे 130। तो आपके पास टाओ कितना जाएगा 1.289 N/mm। उसके तो ये आपका कब कहाँ पे निकला लोअर फ्लेंज पे जो जंक्शन है वहां पे निकला। सिमिलरली हम वेव के लिए निकाल सकते हैं। सो वेव के लिए निकालेंगे तो उसमें जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी अब हमारे पास 50 mm। सो पहले कितनी थी 130 थी फ्लेंज के लिए अब कितनी हो जाएगी 50 mm और आपकी जो सारी वैल्यूज है वो वही रहेगी क्योंकि हम उसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी हो जाएगी गाइस 3.22। तो ये आपके पास आ गया 3.22 N/mm². नाउ अब हम सारी वैल्यूज जो हमारा जो हमने निकाली है इसमें हम क्या कर सकते हैं लोकेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई है ये वाला कितना हो गया हमारा 0.952। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 808। जो हमारा टाउमेक्स है वो कितना आ गया आपका 44196। ये वाली आपके पास वैल्यू कितनी आ गई गाइस ये आ गई आपके पास 3.22 और ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई गाइस 1.239। तो इस तरीके से हम जो आपका आई सेक्शन है उसमें जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमको 5 पॉइंट पे वैल्यूज निकालना पड़ती है फ्लेंज के जो जंक्शन है उस पे फ्लेंज और वेब का जो जंक्शन है उस पे 2 बार निकालना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे विड्थ जो है चेंज होती है। फिर आपको न्यूट्रल एक्सिस पे क्योंकि वहां पे आपका जो टाउ है वो मैक्सिमम होता है और फिर जो नीचे वाला फ्लेंज है और वेब का जो जंक्शन है उस पे। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि अगर ये हमारा जो आई सेक्शन है वो अगर हमारा सिमेट्रिक होता तो उसमें सिर्फ हमको ऊपर वाले फ्लेंज और वेव में जंक्शन में
हमको शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है, क्योंकि जो उसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर सिमिलर हो जाएगा। मीन्स ऊपर जो वैल्यू हमारे पास फाइंड करके आएगी वही हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होगी, तो जो आपका जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा। सो इस तरीके से हम आई सेक्शन में जो हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। पिछले इस वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, टी सेक्शन, इन सारे के हमने शेयर स्ट्रेस वेरिएशन देखे हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। और अगर आपको आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक सेक्शन के लिए, वो भी हमने पिछले वीडियोस में बताया, तो आप पहले उनको देखिए ताकि आपको इजीली ये जो आई सेक्शन का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल NK क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।